मिशन 2024 के लिए बीजेपी बड़े संगठनात्मक बदलाव में जुटी हुई है पार्टी 70 फीसदी जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अध्यक्षों के लिए पर्यवेक्षकों को आज रिपोर्ट पेश करनी है प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन को रिपोर्ट सौंप रहे हैं चुनाव प्रबंधन से लेकर प्रचार तक की कमान नए चेहरे के हाथ होगी तो बीजेपी कमीशन 2024 और बीजेपी बड़े चुनाव की बड़ी तैयारी में साफ तौर पर नजर आ रही है प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन को रिपोर्ट सौंप रहे हैं और संगठन में बदलाव की तैयारी है सत्तर जिला अध्यक्षकों को बदलने की बीजेपी पूरी तरह से कोशिश में है और अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन की रिपोर्ट सौंप रहे हैं तो बड़ी खबर आपको बता रहे बदलाव लगातार बीजेपी कर रही है बीजेपी कमिशन 2024 और बड़े चुनाव की बड़ी तैयारी करते हुए बीजेपी आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं दे रही है हेट स्पीच मामले में कोर्ट आजम खान को दो साल की सजा सुनाई गई है और इसके बाद आजम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आजम खान पर धारा एक जी और धारा 505 सौ वन बी के साथ लोक प्रतिनिधित्व तो अधिनियम की धारा 125 सौ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था एसपी नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजाद नगर में दर्ज हुआ था यह मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था तब आजम खान एसपी गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी थे सजा होने के बाद आजम खान का बयान भी सामने आया है कोर्ट से निकलने के बाद आजम खान ने कहा कि क्यों परेशान हो सजा हो गई क्या परेशानी है